मैं इस वक्त अलशिफा हॉस्पिटल के कैंपस में हूँ, जहाँ पर मेरे साथ राशिद मौजूद हैं। राशिद दहली फसादात के शिकार हैं। दहली फसादात में इनकी दुकान को नजरअंदाज कर दिया गया था, उसके बाद से इनकी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल रही और आज यहाँ पर अलशिफा हॉस्पिटल में एक चेकअप के लिए यहाँ आए हुए थे। इनको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम, जिसकी वजह से सबसे पहले तो मुझे आप राशिद ये बताएं कि उस दिन आप कहाँ थे जिस वक्त आपकी दुकान जलाई गई और किस इलाके में आपकी दुकान थी? मेरी जी शिव बिहार घदा चौक पे दुकान थी और उस टाइम मैं लोनी में ही रेंट पे रह रहा था। मैं लोनी उसके करीब ही पड़ता है शिव बिहार के, तो मेरे पास सुबह 6 बजे फ़ोन आया कि कुछ लड़के आपकी दुकान के शटर वटर तोड़ रहे हैं, आप आ जाइए। तो मैंने जाने की कोशिश करी तो बच्चों ने मम्मी ने वगैरह ने मना कर दिया कि मत जाइए, मत जा बेटा, कोई बात नहीं, झगड़े हो रहे हैं, आप मत जाना। तो फिर मैं नहीं गया। तो तकरीबन दोपहर को 2-2:30 बजे अच्छा खबर आई कि मेरी दुकान में लूटपाट करके सारा माल लूट के, जो भी था, जूते, कपड़े, घड़ी, चश्मे, सब लूट के उसमें तोड़ फोड़ करके काउंटर में बाहर निकाल के आग लगा दी गई। कितने का सामान आपका नुकसान हुआ? उसमें जी 12-13 लाख रुपए का माल था तकरीबन। अभी फ़िलहाल आपकी दुकान कैसे चल रही है और ये कैसे मुमकिन हुआ कि दोबारा आपने दुकान? अभी जी स्टार्ट करी है, ये जो मिशन 2026 चल रहा है, इन्होंने हमारी थोड़ी सी हेल्प करी थी, 2.5 लाख उसमें माल उठवाया था, उसमें भी स्टार्टिंग करी है थोड़ी सी हमने। अभी आप अलशिफा हॉस्पिटल आए हुए हैं, यहाँ पर डॉक्टरों ने आपको चेकअप किया है, क्या प्रॉब्लम आपको फिलहाल? मेरे जी दिमाग में ट्यूमर हो गया है, कोई इस कुछ उस टेंशन की वजह से ही, कुछ देर जब से खाली पड़े हैं घर में बहुत सी टेंशन हो जाती है। अभी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, वाइफ है और कोई नहीं आगे पीछे, तो इस चक्कर में परेशानी हो जाती है बहुत ज़्यादा, इसी चक्कर में हो गया ट्यूमर। तो अभी डॉक्टरों ने क्या बताया? जो ऑपरेशन की सलाह दी है जी, ऑपरेशन का होगा। अच्छा, हाँ जी। ये थे राशिद, जो हमें बता रहे थे कि दहली दंगों में इनकी जो दुकान को जो नजरअंदाज किया गया उसमें तकरीबन 10-12 लाख का सामान जल गया। उसके बाद लगातार ये घर में बैठे हुए थे और बाद में वेतन 2026 ने इनकी कुछ मदद की, जिसके बाद से इन्होंने दुकान तो शुरू कर दी, लेकिन इस दरमियान फिर एक दूसरा एक जो एक तरह से इनके ऊपर जो चैलेंज आया कि इनकी हेल्थ के हवाले से इनका ब्रेन ट्यूमर आइडेंटिफाई हुआ है, उसके बाद से लेकर के ये खुद परेशान है कि अब हेल्थ के हवाले से भी परेशान है, पहले बिजनेस के हवाले से परेशान थे। आज अलशिफा हॉस्पिटल में यहाँ पर उन्हें बुलाया गया था ताकि डॉक्टर्स चेक करें और ये बताएं कि इनके लिए क्या बेहतर है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इनकी जो लाइफ है वो दोबारा पटरी पर लौटे और हेल्थ के हवाले से ये पूरी तौर पर ठीक हों। अलशिफा कैंपस से मैं अशरफ अली बस्तवी। नाज़रीन, आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी हमें आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल एशिया टाइम्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। एशिया टाइम्स को अल्टरनेटिव मीडिया बनाने की हमारी इस कोशिश में हमारा साथ दें।